गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन कर रहे थे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल एंड होल नंबर में क्या था, मेरा एक एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी है, इसमें सब्सट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवाइड आता है। तो पहला प्रॉपर्टी हम एडिशन का पढ़ रहा है। एडिशन में पहला एडिशन का जो फर्स्ट ये रूल होता है या प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू सी। ए क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर हो गया, बी कितना हो गया नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर का ऐड हमेशा क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। तो एग्जांपल में देखें 2 + 5 कितना होता है 7। 2 भी नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर और 7 भी क्या हो गया नेचुरल नंबर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 8 + 12 = 20। तो 20 भी क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर हो गया। अब आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। यानी कि अगर हम क्या करें 2 + 4 = 4 + 2 होगा या नहीं होगा। यही क्या होता है कि फर्स्ट प्लेस पे डिजिट है और सेकंड प्लेस पे डिजिट है, दोनों को प्लस कर देते हैं रिजल्ट आता है। अब क्या करते हैं फिर उस डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, प्लेस को बदल देते हैं। तो फर्स्ट सेकंड था, अब इसको क्या कर दिया फिर फर्स्ट और सेकंड कर दिए, यानी कि 2 + 4 = 6 और 4 + 2 = 6 आता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए 6 + 5 और 5 + 6 ये क्या हो गया, ये भी आपका कौन सा प्रॉपर्टी हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले दो का सम फिर बाद का सम और फिर एक को निकाल लेते हैं, फिर इसको सम करते हैं और पहले के साथ सम करते हैं, हमेशा रिजल्ट क्या आता है इक्वल आता है, यानी कि 2 + 3 + 4। देखिएगा ये हमेशा आपका क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा ये आपका हमेशा इक्वल होगा। यानी कि 2 + 3 + 4 देखिएगा 3 + 4 = 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 + 2 आपका 5 हो गया, 5 + 4 = 9 हो गया। तो ये आपका कम्यूटेटिव हो गया। अब आता है एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी डिजिट को कोई भी डिजिट हो उसके अपोजिट साइन के साथ प्लस कर देते हैं और हमेशा जब 0 आता है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे कि +5 में आप एड कर दीजिए -5, 5 रुपए था 5 रुपए खत्म कर दिए, ये 0 आ गया, ठीक है। +9 है आपके पास, उसमें ऐड कर दीजिए -9, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके अलावा देखिए 10, इसमें से आप क्या कीजिए -10 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, क्लोजर प्रॉपर्टी देखा, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा, एडिटिव आइडेंटिटी देखा। तो इसमें क्या है कि जो आपका है एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपको सॉल्व कर लेना है। अच्छे से समझिएगा, इसको दिमाग में रखिए, सारे एग्जाम्पल इसी से आएंगे, आप भूल नहीं गए उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज है। देखिएगा एक्सरसाइज 3.2 जो है 1 से 5 तक उसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जो भी क्यूरी होगा आप उस पे जाके क्यूरी सेक्शन में जाके और डाल दीजिएगा, वो सारे प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आके सॉल्व कर दूंगा। तो आज की क्लास इतना ही, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।